उत्तर प्रदेश के बांदा में नवंबर महीने के समाप्त होने पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में जनपद के 25 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में सराहनीय कार्य करने वाले स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया। और क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए। महीना खत्म हो गया तो उसका समापन किया जा रहा है। जो भी बच्चों ने इसमें अच्छा काम किया, जिन स्कूलों में, लगभग 25 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट किए, विभिन्न चौराहों पे उनके द्वारा नुक्कड़ नाटक किए गए, जागरूकता के कैंपेन्स किए गए, पुलिस द्वारा भी और अन्य विभाग द्वारा, आरटीओ द्वारा भी इसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। प्रिवेंटिव में ई चलान्स किए गए हैं, लगभग 17,500 हमने चलान किए हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ से ऊपर का हमने जो उसमें मूल्य हमारे को ई चलान में हमने किया है, और मौके से लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हमें प्राप्त हुआ है, 2.5 लाख के आसपास प्राप्त हुआ, बाकी जो कोर्ट के माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगातार हमारा प्रयास यही चल रहा है कि इस बार जो नई शुरुआत थी कि बच्चों को जोड़ा जाए, ताकि बच्चों की तरफ से उनकी फैमिली इसको मैसेज जाए। सभी चौराहों को कोशिश की गई थी कि 25 जैसे स्कूल हमारे पास थे कि सभी को कवर किया जाए और इससे जागरूकता का मैसेज जाए। तो ये लगातार अभियान चलता रहेगा। आज क्योंकि ट्रैफिक मंथ का पूरा कंप्लीट नवंबर मंथ होता है, इसके अलावा भी जनपद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी, ताकि जनपद में जितनी एक्सीडेंट्स मृत्यु हो रही है इसमें हम कमी ला सकें और एक बेहतर प्रयास करते हुए। और रोड डिज़ाइनिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत है या कट्स पे लाइट की ज़रूरत है, उसको भी मॉनिटर किया गया है टीम्स द्वारा, और वो भी अभियान चलाया जा रहा है।